आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या खूबसूरत नजारा है दोस्तों। भैया बारिश होने वाली है, गर्मी से हर कोई परेशान है दोस्तों। और ये जो मुंबई पे काले काले बादल है ना, मजा आ जाती है इनको देख के। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे दोस्तों। 1 महीने बाद मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ दोस्तों। बता दूं, इससे पहले 6 यूनिट में पूरे कवर करा चुका हूँ। टोटल 33 लेक्चर्स है, देख लीजिएगा। इंडियन ज्योग्राफी आपकी पूरी कवर हो जाएगी। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बचे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे, जिसकी हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब मानसून आएगा भारत में, कब बारिश होगी। अब तो बारिश हो जाए स्पेशली नॉर्थ के रीजन्स में। तो मानसून ऑफ इंडिया पे हम बात करेंगे। ये मुंबई का नजारा है दोस्तों। वैसे मुंबई बारिश में डूब जाती है, पूरी तरीके से डूब जाती है, ठीक है। तो अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेकार है। मीठी नदी को तो हमने गंदा कर दिया है, कूड़ा डाल डाल के पूरी नदी को सुखा दिया, वो नाला हो गई है। तो पानी को निकलने का मौका नहीं मिलता और पूरी मुंबई में वो भर जाता है, मुंबई डूब जाती है। तो ड्रेनेज सिस्टम पहले तो अच्छा करना पड़ेगा मुंबई को बचाने के लिए। दूसरी चीज दोस्तों, इस लेक्चर में हम बहुत कुछ समझेंगे, हम बहुत ही आसानी से समझेंगे कि मानसून आता क्यों है, ठीक है ना। क्यों पूरे देश में बारिश होने लगती है इसको समझेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है, लोगों को पढ़ना पसंद नहीं है, स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, और जब वो रटते हैं तो एग्जाम में जाते हैं, सवाल आता है, उनको आता नहीं। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है दोस्तों। कभी भी आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप रटे नहीं, आप इसको समझे, बार बार समझे। नहीं समझ में आ रहा है, फिर समझे, समझ में आएगा। रट लिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल हम हैं यहां आपको समझाने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि भारत में मानसून आता कैसे है। वैसे मानसून का मतलब होता है दोस्तों मौसम, अरेबिक वर्ड से लिया गया है। अब मानसून आता कैसे है, दो चीजें आपको समझनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक। देखिए, ये है दुनिया, ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे है, ये है हमारा इक्वेटर, ठीक है। भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेट से गुजरता है ना, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन से वो स्टेट्स, और जरूर आंसर देना। यहां पे इस एरिया में सूरज जो है, मैंने लेक्चर लिया था दोस्तों जीसी लियोंग पे, मैंने लेक्चर लिया था इक्विनॉक्सेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैंने उसमें ये बताया था कि ये वाला जो एरिया है, यहां पे गर्मी ज्यादा होगी, ठीक है ना, बहुत गर्मी यहां पे, क्योंकि जो सन होता है वो इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है। और भारत ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ही आता है। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में मानसून, बारिश बहुत होती है, रशिया में नहीं होगी, रशिया में कम होगी, क्योंकि वो नॉर्थ पोल पे है ना। तो हम ये देखते हैं, यहां पे आपको दो कंसेप्ट याद रखते हैं बहुत ही आसानी से, आसान से। पहली बात, हवाएं आती हैं। आई एम रियली सॉरी, स्क्रीन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी। तो हवाएं आती हैं। अब जब ये हवाएं आएंगी तो ये यहां से आती हैं, ठीक है, वेस्ट से आती हैं। जी हाँ, वेस्ट से हवाएं भी आती हैं, ठीक है। समुद्र के ऊपर ये जाएंगी, सूरज आ गया, सूरज आ रहा है, समुद्र गर्म हो रहा है। तो जब ये हवाएं समुद्र के ऊपर जाती हैं, हवाओं में कुछ नहीं होता दोस्तों, ड्राई होती है, ड्राई विंड्स होती हैं, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के ऊपर जाती है, नमी ले लेती है, यहां से वेपर्स को लेते हुए जाती है। गर्मी के कारण भैया समुद्र भाप बनेगा ना, और इन हवाओं में मिल जाएगा। अब जहां जहां ये हवाएं जाएंगी वहां वहां होगी बारिश, और भारत में आ जाती है ये हवाएं। तो ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कंसेप्ट आपको याद रखना है प्रेशर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां पे ही जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। प्रेशर का क्या कंसेप्ट है दोस्तों, देखिए याद रखिएगा, विज्ञान में हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें जाती हैं, क्यों वो भी बता देते हैं बहुत ही आसानी से। मान लीजिए दो कमरे हैं, ए बी, ठीक। अब हम देखते हैं कि ए में, यहां इस रूम में 10 लोगों की क्षमता है, लेकिन आपने यहां पे ठूंस दिया 15 लोगों को। बी रूम में 10 लोगों की क्षमता है, लेकिन 5 लोगों को ठूंस दिया, यहां पे प्रेशर बहुत हुआ, लोग भागेंगे। कहां पे भागेंगे? इस कमरे में भागेंगे। यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, जाहिर सी बात है ना, लोग कहां जाएंगे? जहां पे लो प्रेशर है। सिंपल सी बात है, इस रूम की डेंसिटी ज्यादा, इस रूम की डेंसिटी कम है, तो लोग यहां पे जाएंगे, बी रूम में जाएंगे। समझ गए? ऐसा ही होता है साइंस में, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, कंस्टिट्यूएंट्स बैलेंस करेंगे, समझ रहे हैं? तो होता क्या है, जब भी सूरज की किरणें पड़ती हैं, आपको पता ही है दोस्तों, पानी और लैंड, लैंड मतलब चट्टाने जहां पे सॉलिड चीजें होंगी, पानी होगा देर में गर्म, लैंड होता है जल्दी में गर्म, जल्दी गर्म। आप जून में ऊपर चले जाइए,
एक बाल्टी पानी रख दीजिए, ठीक है, पानी में हाथ डालेंगे 1 घंटे बाद, ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी फर्श को छुएंगे हाथ जल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखते हैं कि लैंड, चट्टाने, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता जाता है, जाहिर सी बात है ना, ठंडी चीजों में जहां जो चीजें ठंडी होंगी तो ठंडी जगहों पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? अरे भैया वहां पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा क्लोज क्लोज आएंगे ना, ठीक है, ये साइंस है। तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और गर्म चीजों में प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि गैस का एक्सपेंशन हो जाता है। तो हमेशा अगर गर्मी पड़ रही है तो प्रेशर कम होगा। अब भारत एक लैंड है, भारत में गर्मी पड़ेगी तो ये प्रेशर हो जाता है लो प्रेशर का रीजन, ठीक है, क्योंकि यहां पे धूप बहुत तेज पड़ती है। अब यहां हम देखते हैं ये है इंडियन ओशन, ठीक है ना। तो जो जो हवाएं आती हैं, अब इंडियन ओशन में के ऊपर से जो हवाएं बहती हैं ये इंडियन ओशन से लेती हैं नमी, यहां पे है लो प्रेशर, ये बन जाता है हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये देर में गर्म होगा, भैया समुद्र तो ठंडा होता है। तो ये रीजन हो गया हाई प्रेशर का, ये रीजन हो गया लो प्रेशर का। तो जाहिर सी बात है जो हवाएं होती हैं ये अपने आप ही लो प्रेशर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और उसके बाद जब ये हवाएं यहां पे आती हैं, हालांकि ये दो ब्रांच में बट जाती हैं, एक इसको कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच और इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। और जब ऊपर की तरफ हवाएं चलना शुरू करती है नमी वाली जगह पे, अपने आप पूरे देश में बारिश हो जाती है। तो समझ गए, दो कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, एक जब हवा समुद्र के ऊपर से जाएगी तो नमी लेते हुए जाएगी, दूसरा ये लो प्रेशर रीजन है और ये हाई प्रेशर रीजन है, तो ऑलवेज हवा जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगी। यही रीजन है दोस्तों जाड़े में हमेशा जो ब्रीज है, जो हवाएं हैं, वो लैंड टू सी बहती हैं। क्यों? क्योंकि जाड़े में दोस्तों ये जो लैंड है ये ठंडा रहता है और समुद्र गर्म होता है। तो भैया ये ठंडा है यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, समुद्र गर्म है यहां पे प्रेशर कम होगा। तो ऑलवेज लैंड टू सी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, समझ गए। और गर्मी में उल्टा होता है, गर्मी में लैंड गर्म हो जाता है, ठीक है, ये जो पूरा भूमि है ये गर्म हो जाएगी और समुद्र ठंडा रहता है। तो हमेशा सी टू लैंड बहती है, समझ गए ना। विंटर में हवा कहां बहेगी? लैंड टू सी, यही प्रेशर डिफरेंस की वजह से। समर में सी टू लैंड आ गया, बहुत ही बढ़िया, बधाई दीजिए अपने आप को अगर आप समझ गए हैं, वेरी गुड। नहीं समझे हैं तो दोबारा देखिए, आराम आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। दो तरीके के मॉनसून होते हैं दोस्तों, एक जो समर में आते हैं, जो गर्मियों में आते हैं, जैसे अभी आने वाले हैं जुलाई में, ये आते हैं नीचे से, ठीक है, बिल्कुल नीचे से, ठीक है। दूसरे जो जाड़े में आते हैं, जो सर्दी में आते हैं, ये ऊपर से आते हैं। दोनों ही बारिश लेके आते हैं, लेकिन ये वाले मॉनसून पूरे भारत में बारिश नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो गर्मी वाले मॉनसून होते हैं जो नीचे से आ रहे हैं ये पूरे भारत में बारिश करेंगे। क्यों करेंगे? अरे ये हिमालय है ना, यहां से हवाएं आएंगी, हिमालय से टकराएंगी, वापस मुड़ेंगी और फिर पूरे देश में बारिश करती हैं। अभी दोस्तों माउंटेन्स का क्या कंसेप्ट है वो भी मैं बताऊंगा, क्यों राजस्थान के एरिया में बारिश नहीं हो पाती, गुजरात के कुछ एरियाज में बिल्कुल बारिश नहीं होती, महाराष्ट्र के एरिया में, डेक्कन के कुछ एरिया में बिल्कुल बारिश नहीं होती, वो क्यों होता है वो अभी मैं आगे समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा, सब चीजें क्लियर कर दूंगा दोस्तों आज, ठीक है। तो समझ गया, बहुत बढ़िया। तो ये डायरेक्शन है, आप देख लीजिए, और ये इंटर ट्रॉपिकल जोन का पूरा रीजन है, ये दोस्तों खिसक जाता है। ITCZ क्या होता है? जहां पे विंड्स कन्वर्ज करती है। अभी मैं जीसी लियोंग की जब किताब पढ़ाऊंगा, अगला ही चैप्टर है दोस्तों मॉनसून, इसमें मैं ITCZ को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ये खिसक जाता है दोस्तों और ये भारत की तरफ आ जाता है, गंगा प्लेन्स की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अगेन प्रेशर क्रिएट हो जाता है। प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रेशर, और उसी की वजह से ही बारिश होती है। जहां पे भी लो प्रेशर होगा, हाई प्रेशर वाली हवाएं जो हैं वो सीधा लो प्रेशर की तरफ जाएंगी, ये वॉइड क्रिएट होगा जो हवाएं फिल करती हैं, ठीक है ना। तो ये ITCZ भी जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है गर्मियों में, जिसकी वजह से बारिश होती है, ठीक। ये कुछ क्लाइमेटिक रीजन है दोस्तों, क्लाइमेटिक डिविजन है, ये मैं माजिद हुसैन की किताब से मैं आप लेके आया हूं। आप देख सकते हैं यहां पर बारिश नहीं होती है ज्यादा, सेमी एरिड ट्रॉपिकल एरियाज है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा बारिश होगी। क्यों दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया ना कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिकल रीजन हो गए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पूरा कवर करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न को पूरा कवर करते हैं, जहां पे भी जो भी इनके बीच में देश आएंगे वो सब ट्रॉपिकल रीजन होंगे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि
जहां पे गर्मी होगी और वो कहां पे ज्यादा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, वहां पे बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी। तो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है, मॉनसून आपको वहीं पे ही देखने को मिलेगा। रशिया में थोड़ी ना बारिश होगी भैया, वो तो साल भर ठंडा रहता है, नॉर्थ पोल के पास है ना। तो ये सेमी डेरिड रीजन हो गया, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती। ये राजस्थान बिल्कुल ही बर्बाद एरिया है, बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हवाएं जो होती है ना, वो जब माउंटेन से होके गुजरती हैं, जब भी पर्वत श्रृंखलाओं से होके गुजरती हैं, तो सारी बारिश वही कर देती हैं, ठीक है ना। तो अब राजस्थान से पहले, राजस्थान में अरावली रेंजेस है, ठीक है, तो अरावली रेंजेस में तो ये जो हवाएं हैं वो जाएंगी, लेकिन जैसे ही अरावली रेंजेस पे जाएंगी, सारा का सारा पानी वही छोड़ देती हैं, और इसकी वजह से हवाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में बारिश नहीं होती है। तो ये माउंटेन कभी कभी बड़ा खतरनाक भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉनसून की, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझा सकते, एक और अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। असली मीनिंग मौसम, लेकिन रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, ये होता है मॉनसून का मीनिंग। दोस्तों मैंने आपको अभी समझाया कि किस तरीके से हवाओं का रुख बदलता है। जाड़े में क्या होगा, फिर से लैंड टू सी, और गर्मी में क्या होगा, सी टू लैंड। तो ये रिवर्सल ऑफ विंड्स है ना, तो ये मॉनसून होता है दोस्तों। जब भी ये नीचे से जब हवाएं आएंगी, इंडियन ओशन से सारी नमी लेते हुए जाएंगी, तो यहां पे दो ब्रांचेस में बट जाता है। मैंने आपको बताया था, एक ब्रांच चली जाती है, एक हवा की ब्रांच, ये इसको कहता है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी हवा की ब्रांच इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो यहां पे दो ब्रांचेस में बट जाता है मॉनसून, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। इसको फर्दर अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके की मॉनसून विंड्स होती है। एक तो होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट मॉनसून दोस्तों वही चीज, सब कुछ वही है, इसको बोलते हैं एडवांसिंग मॉनसून। ये साउथ वेस्ट से आता हुआ यही भैया ऊपर जाएगा और यही पूरे देश में बारिश करवाएगा, क्योंकि यहां पे है हिमालय। हिमालय इसको बाहर नहीं जाने देगा, इन हवाओं को बाहर नहीं जाने देगा, और उसके बाद ये जो मॉनसून है, ये हवाएं हैं, ये पूरे भारत में फैल जाती है, जिसकी वजह से बारिश होती है। तो इसको बोला जाता है एडवांसिंग मॉनसून, ठीक है ना। और इसी की वजह से दोस्तों, कि सबसे पहले कहां टकराएगा भैया, नीचे से हवा आ रही है ना, तो सबसे पहले केरल पे टकराएगा। तो 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक झमाझम बारिश होती है, और सबसे पहले केरल में होती है दोस्तों, ठीक है ना। ये केरल में सबसे पहले होती है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाता रहता है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है, ये आपको वेस्टर्न घाट्स दिख रहा है, मेरा पूरा इस पर सेपरेट लेक्चर भी है। तो अब होता क्या है कि देखिए क्या होता है कि जब ये बे ऑफ बंगाल वाली जो ब्रांच है, ये जब यहां पे जाएगी, तो ये पूरी बारिश करवाती है तमिलनाडु पे, आंध्र प्रदेश पे। ईस्टर्न घाट्स में गैप्स है, हमने बताया था। अब गैप्स क्यों है, ये मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूं दोस्तों इंडियन रिवर सिस्टम पे, आप जरूर देखिएगा। तो ये जो हवाएं हैं, ये इन गैप्स पे होती हुई पूरे भारत में फैल जाती है, लेकिन वेस्टर्न घाट्स में एक भी गैप मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसी की वजह से ये जो हवाएं हैं, ये यहां नहीं जाती हैं, ये ऊपर निकल जाती हैं, ठीक है ना। ये यहां पे पेनिट्रेट नहीं करेंगी, तभी हम देखते हैं महाराष्ट्र के काफी सारे हिस्से सूखे की चपेट में आ जाती है, वहां पे बारिश ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पे, और वेस्टर्न घाट्स की ये एक बैरियर का काम करते हैं, ये हवा को पास ही नहीं होने देते, क्योंकि गैप्स ही नहीं है, तो ये ऊपर निकल जाते हैं। गुजरात में भी दोस्तों यही होता है, गुजरात में ये रण ऑफ कच्छ वाले एरिया में बारिश नहीं होती है। अरे यहाँ पे पहाड़ियां है ना, कौन सी दो पहाड़ियां, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें भी मैं पूरा लेक्चर ले चुका हूं। तो यहाँ पे जब जो हवाएं जाएंगी, तो सारी बारिश तो यही कर देंगी दोस्तों। ऐसा होता है कि ये माउंटेन है, ठीक है। अब जब ये हवाएं जाती हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक। अब एडायबिटिक कन्वेंशन की वजह से, एडायबिटिक कूलिंग की वजह से क्या होता है, अभी मैं दोस्तों साइंस बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा, मैं जीसी लियोंग जब पूरा कवर करूंगा तब समझाऊंगा, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा। एडायबिटिक प्रोसेस क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है दोस्तों, कंडक्शन क्या होता है, ये सब कुछ होता है भैया, रेन के फॉर्मेशन में ये सब कुछ होता है। कन्वेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, तो वो सब मैं समझाऊंगा। तो होता क्या है, एडायबिटिक प्रोसेस की वजह से ये जो हवाएं हैं, ये सारी नमी अपनी यहां पे छोड़ देंगी, पहाड़ों पे छोड़ देती हैं, ठीक है, यहां पे नहीं जा पाती हैं। तो इसकी वजह से जहां पे भी पहाड़ होंगे,
सारी बारिश वहीं हो पाएगी, उसके आगे जा ही नहीं पाएगी, समझ गए। राजस्थान में भी दोस्तों अरावली श्रेणी है, अरावली श्रेणी पे भी माउंट आबू है, तो माउंट आबू पे सारी बारिश हो जाती है, उसके आगे जा ही नहीं पाती, तो राजस्थान वाले एरिया में भी बहुत कम बारिश होती है। गुजरात में भी ये दो पहाड़ियां हैं जिसको आपको बताना है, उसके आगे नहीं हवाएं जा पाती हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि राजस्थान में बारिश नहीं होती है, महाराष्ट्र के कुछ एरिया में बारिश नहीं होती है, और गुजरात में बारिश नहीं होती है। बाकी जो बे ऑफ बंगाल शाखा है, ये तो बहुत ही एकदम बहुत बढ़िया तरीके से बारिश करती है। उसके बाद हम देखते हैं, ये होता है दोस्तों साउथ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद ये होता है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट। होता क्या है, इसको रिट्रीटिंग मॉनसून कहते हैं। भैया मॉनसून वापस जाएगा ना, क्यों वापस जाता है, हवाएं फैल गई सब जगह, ठीक है, पूरी दुनिया में फैल गई, ये मॉनसून पूरी दुनिया में आता है, ट्रॉपिकल रीजन में बारिश होती है, खाली भारत में इसको मत समझ लीजिएगा, सब जगह हवाएं फैल गई। अब यहां पे जून में भयंकर गर्मी, लो प्रेशर, समझ गए, बता चुका हूं, ये लो प्रेशर हो गया, भयंकर गर्मी, ठीक है। दूसरा, जैसे जैसे टेम्परेचर आगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, जैसे जैसे महीने बीतते रहते हैं, हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से और रेवोल्यूशन की वजह से, आई मीन रेवोल्यूशन की वजह से भैया सन की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। तो यहां पे हम देखते हैं कि जून में बहुत गर्मी, जुलाई में ठीक ठाक, अगस्त आया, सितंबर आया, टेम्परेचर बढ़ा, तो होता क्या है, यहां पे समुद्र जो है वो ज्यादा गर्म होने लगते हैं और लैंड जो है वो कम गर्म होने लगता है, लैंड ठंडा होने लगता है। तो अब यहां पे लो प्रेशर, यहां पे हाई प्रेशर, अगेन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो सारी हवाएं जो हैं जून में तो ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन जब सितंबर के बाद हम देखते हैं ये वापस यहां से आएंगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिर इस तरीके से होता है, तो इसको कहते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। अब ये जो हवाएं जाती है वो यहां से होती हुई जाती है, इसीलिए हम देखते हैं कि तमिलनाडु के जगह पे, तमिलनाडु में जाड़ों में भी बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो चेन्नई में काफी ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है, तो इसी को ही बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो कि पूरा जाड़ों में रहता है, ठीक है। डेट बता देता हूं दोस्तों, 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। तो इसका आपका जून से लेकर सितंबर तक, और इसका 20 दिसंबर से लेकर मार्च तक, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। फिर ये समर मानसून, मई से सितंबर तक, और विंटर मानसून, अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आई हो, ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये कुछ कंडीशन है दोस्तों। वैसे मैं सब कुछ आपको बता ही चुका हूं, अब बताने की जरूरत भी नहीं, एटमोस्फेरिक कंडीशंस की वजह से दोस्तों, ठीक है। वही लो प्रेशर हाई प्रेशर का डिफरेंस, ITCZ दोस्तों, ये क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, ITCZ हम देखते हैं, ये शिफ्ट हो जाता है, ये भारत की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अगेन यहां पे बारिश होती है। ये क्या होता है, ये मैं जीसी लियोंग का जब उसको कवर करूंगा तब मैं बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों वेस्ट से भी हवाएं आती है, वेस्टरलाइज भी आती है, ठीक है ना। देखिए सिर्फ भारत में ही हवाएं नहीं आती हैं, यहां से वेस्ट से भी हवाएं आती है, ठीक है ना। ये वेस्टर्न, पूरे वेस्टर्न से होते हुए वेस्टरलाइज जिनको बोला जाता है, यहां पे आएंगी और ये फिर भारत में प्रवेश करती हैं, तो ये भी बारिश का एक बहुत बड़ा कारण होती है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों और कुछ रीजंस की बात करें, तो अगर हम देखते हैं कि मेडागास्कर रीजन में भी हाई प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है, वही इंडियन ओशन वाला, ठीक है, वो मेडागास्कर इंडियन ओशन में ही है, वही जो मैंने बताया कि हवा वहां से जाएंगी तो फिर ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों ये जो टिबेटन प्लेटू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, और जब इतना ज्यादा गर्म हो जाता है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से वर्टिकल एयर करंट डेवलप हो जाते हैं, और अगेन वही हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चीजें जाएंगी, हवाएं जाएंगी और फिर बारिश होगी, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब एक एक चीज मैं, एक एक कंडीशन मैं डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, अब दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जरूर इसको शेयर करिए दोस्तों। आसानी से मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से मॉनसून आता है और किस तरीके से मॉनसून का फॉर्मेशन होता है, ये भी मैंने बता दिया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, देखिए ये लैंड है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है ना। अब दोस्तों सीधा, जब विंटर है तो क्या होगा, मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूं, जब विंटर है, क्योंकि ये चीजें आपको समझनी जरूरी है, तो जाड़े में ये ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये समुद्र गर्म हो जाएगा, तो ये कौन सा प्रेशर वाला एरिया हो गया, जल्दी बताइए, फटाक से बताइए, यहां पे क्या होगा, ठंडे एरिया में हाई प्रेशर होगा, गर्म एरिया में लो प्रेशर होगा, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी, और उसके बाद ये हवाएं ऊपर जाएंगी, क्यों, और क्लाउड्स का फॉर्मेशन बनेगी, जिसकी वजह से बारिश होती है। गर्मियों में ठीक उल्टा होता है, ठीक है, जो भूमि है वो ज्यादा गर्म होगी, ये लो प्रेशर हो जाएगा और ये हाई प्रेशर हो जाएगा, तो
सी टू लैंड ब्रीजेस जो है वो जाती हैं, तो ये चीज है, समझ गए। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है, ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन, ठीक है ना। तो ये चीज है, आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।